सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम्। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं आ सकती और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। नमस्कार, मैं प्राची कुमारी, कक्षा 6 की छात्रा, रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल से आप सबके समक्ष विश्व विद्यार्थी दिवस पर अपनी भावना प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। विद्यार्थी, विद्या जोर अर्थी, अर्थात जो सदैव विद्या अर्जन करने को इच्छुक हो वही विद्यार्थी है। इसका उम्र से कोई सरोकार नहीं होता। विद्यार्थी जीवन एक आदर्श जीवन होता है। इस जीवन में हमें अपने आप को कुछ आवश्यक नियमों में ढालना पड़ता है, जो कि सिर्फ विद्यार्थी जीवन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को सुरक्षित, सुगंधित और संतुलित बना देते हैं। वे नियम कुछ इस प्रकार है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काग चेष्टा, कौवे की तरह हर जगह दृष्टि रखना। बको ध्यानम, बगुले की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। स्वान निद्रा, कुत्ते की नींद सोना यानी आलस्य न करना। अल्पहारी, कम भोजन करना यानी पोषण युक्त भोजन करना। गृह त्यागी यानी माता पिता से ज्यादा मोह न होना। विद्यार्थी के लिए महानतम लक्ष्य होना चाहिए केवल और केवल ज्ञान, और ज्ञान का मूल लक्ष्य होना चाहिए मानवता का कल्याण। शिक्षा से रोजगार मिलता है, लेकिन शिक्षा को सिर्फ रोजी रोटी का साधन समझ लेना वैसे ही है जैसे आप किसी तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठा ले। शिक्षा लेना चाहिए सीखने के लिए, अब स्वयं को विकसित करने के लिए। और रही रोजगार की बात, तो उसका ख्याल तो ज्ञान स्वयं रख लेगा। धन्यवाद। जुरु दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।